संभव। हमको काम चाहिए, जनता काम चाहती है। भाई इलेक्शन तो आते रहेंगे, आज है कल मर जाइए, हम वो नहीं देखते। इलेक्शन वो आवाज दे करेंगे। सभी पक्षों से लोग आए गए, सबका आया सतीश भाई की तरफ से आप सबका बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ। 3 करोड़ के काम उन्होंने इसलिए बताया है कि कई लोगों ने यहाँ पे ये कहा है कि ये काम तो हमने लाया है, जो काम से हमने लाया है। मैं यही कहूँगा एक बच्चा किसी भी पक्ष का हो, कोई भी काम करने वाला हो, इतने अच्छी तरीके से अपने एरिए में वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप हमारे पक्षियों से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पता है आप देखे हुए, मैंने गोजेबाद के इजाज के बाद 3 करोड़ रुपये लाया हूँ। मैंने 25 लाख रुपये लाया हूँ। यहाँ पे जब हम लोग सुन के आते तो लोग प्रतिनिधि बोलते रहते हैं, यहाँ कोई पक्ष नहीं रहता, यहाँ कोई सुन नहीं रहता। अपना फर्ज होता है कि ये मतदार संघ अपना है, हर जगह हर समाज के यहाँ काम होना चाहिए। उस पद्धति से हम काम कर रहे हैं। मैं आप सब हमारे शक्तियों से मजीदों और उसके पत्रकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह से आप काम करते रहिए, आपको जब भी जहाँ काम मिलेगा आपको 100% हमारे सबके माध्यम से और आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने 8 साल पहले इलेक्शन लड़ा था और मेरे वार्ड के लोगों से वादे किए थे कि मैं ये काम करूंगा। मैंने बिस्मिल्लाह कॉलोनी जो बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह के नाम से बोलते हैं बिस्मिल्लाह, मैंने बिस्मिल्लाह कंप्लीट किया। मैंने आसिफिया कॉलोनी कंप्लीट किया, कुछ काम मेरे अधूरे रह गए। उसके बाद जयवीर नगर कंप्लीट करना था, कुलावाड़ी था, आनंद नगर था और मैं चौदह मैंने कई दूसरे घर को चलेगा जिसका एड्रेस है आप सुनते तो मैं निकल गया। उसके बाद अल्लाह ने मेरी लाज रखी, इलेक्शन को आगे बढ़ाया और माननीय प्रतिनिधि माननीय विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर साहब, माननीय आशीष कुमार पांडे साहब, इनकी वजह से ये काम हो गए। मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा वार्ड 100% मुकम्मल होने जा रहा है। और ये 3 करोड़ के काम डायरेक्ट उद्घाटन हो, ऐसा नहीं भाई, मैं इसकी फहरिस्त जारी करूंगा। और आप ताजमहल मैंने बनाया, मानते हैं बात को, मानते हैं ताजमहल मैंने बनाया, मानते ये 3 करोड़ के काम मैंने किए। मैंने बोलता ये महानगर पालिका होती है, प्रूफ बोले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं जिला कलेक्टर आशीष कुमार पांडे के जरिए जो मंजूरशुदा काम जो उन्होंने मुझे दिए थे मैं उसके नाम मिला दूँ। जयवीर नगर के गुलामवाड़ी को हम की फहरिस्त गेट से भटकर गेट से ट्रेन लाइन कलेक्ट कुलकर्णी घर से गायकवाड़ के घर तक डेली लाइन, बुद्ध विहार की गली में बोर्डे के घर से आठवलों के घर तक डेली लाइन डालने और सीमेंट रोड, वागमारे के घर से राजू प्रधान घर तक डेली लाइन और सीमेंट रोड, प्रकाश यादव के घर से सड़क तक डेली लाइन और रास्ता कांग्रेडी, बुद्ध विहार की पिछली गली में सीमेंट रोड, बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले की पिछली गली में आहिर के घर से किशोर चौकन के घर तक टेली लाइन और पानी की पाइपलाइन और सीमेंट रोड की तामीर। अब उसके बाद गुलावाड़ी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गार्डन से विशाल तारवाड़े घर तक टेली लाइन पानी की लाइन सीमेंट रोड, साढ़े घर से जादव के घर तक टेली लाइन सीमेंट रोड, आदमारी के घर से सोनावे के घर तक टेली लाइन सीमेंट रोड की तामीर, विशाल इंगड़े के घर से जयवीर नगर गेट तक नाला अतिक्रमण करने के गेट की गटर गटर की तामीर। उसके बाद वार्ड नंबर 8 पानी की लाइन जयवीर नगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले की पिछली गली से आए थे घर तक किसान पानी की लाइन, गुलावाड़ी पूरी तमाम पानी की पाइपलाइन गुलावाड़ी में है और शकील किराने की गली में पानी की लाइन। ये हो गया अजीत कुमार पांडे साहब के दिए काम। और माननीय हमारे बापू साहब ने 8-8 करोड़ नगर सेवकों को किए थे, ये वो काम उसने मेयर के जरिए जो मंजूर काम थे, क्योंकि हॉस्पिटल से आरएस पारणी पुरानी रेल लाइन को लगेगा डालना, आशिया का रेलवे चिश्ती के घर के सामने
फ्लाइंग लाइट डे लाइट किया अगर नहीं लाना इस्लाम वाटर के लोग में डे लाइट के विषय से भी ये हुए मानिए मापो साहब बिस्मिल्लाह कार्य में मानिए जयसवाल साहब की दस्ता की नीति से चिश्ती साहब के घर के सामने सीमेंट कॉन्क्रीट तो से ये जयसवाल साहब की नीति से हुआ था और सलीम कुरैशी गली में तमाम पूरी गली में कॉन्क्रीट सीमेंट कॉन्क्रीट और पानी के लाई ये होगा कल मैंने कह दो ये तमाम 3 करोड़ कामों की सत्यपद से तो मांगे गए पाए गए तो संचिका की सत्यपद मांगी थी हम मालूम होना ना किसने किया काम हमारा फोन पे पाए गए तो एक संचिका निकाले डाला हूँ आपको बताने के लिए तो बता देता हूँ जयवीर नगर गुलाबाड़ी की गांव की लिस्ट यहाँ पर साथ दिख रहे हैं ये महानगर पालिका का स्टैंड दिख रहे हैं और ये माननीय आशीष कुमार साहब की साइन इम्पोर्टेंट और कैलिब्रेटेड सैयदपति ये सामने आप दिख रहे हैं और ये महानगर पालिका का स्टैंड ये भूमिका तो ऐसे 3 करोड़ के काम अल्हम्दुलिल्लाह इसके वर्कआउट हो चुकी है 2 काम है तो अंडर प्रोसेस है एक 15 नंबर का काम है विदेश के विविध काम साथी अंडर प्रोसेस है और एक 30 लाख रुपए की कमाई है जो आश्रय के ताज है आपको मालूम है और अनंतगढ़ के पास एक कमान है साहब के भाई का नाम का और आपको बता दो कि ये सब काम होने के बावजूद माननीय जयसवाल साहब ने मुझे 1 करोड़ रुपए की विविध कामों के लिए निधि के लेटर दे चुके हैं इसके बावजूद आज बिस्मिल्लाह कॉलोनी आशीषा कॉलोनी गुलाबवाड़ी जयवीर नगर आनंद नगर और जो भी पूरा वार्ड मुकम्मिल हो चुका अगर कुछ काम बचता है तो माननीय आमदार साहब ने विविध कामों साथी 1 करोड़ रुपए के निधि का लेटर मुझे दिए हुए हैं अगर आप कुछ काम कर के बच्चों में वार्डवासियों से अपील कर रहा हूँ आपके माँ चैनल के माध्यम के जरिए अगर कुछ काम बचे होंगे तो आप मुझे बोलिए मेरे हिसाब से रुपये काम बचा नहीं ये 3 करोड़ों में आपको याद ही मैं आपको दे भी दूंगा उसकी कोई भी काम अगर बचते हैं तो मुझे आप बोलिए इसके बाद जो है तो गेट के कामों का भी उद्घाटन भारत शासन का है वो उसका भी होने वाला है और कुछ काम अगर बचते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप फोन कीजिए मैं आकर भाग दे लूंगा मैंने जयवीर नगर आशीषा कॉलोनी बिस्मिल्लाह कॉलोनी तमाम वार्ड आज 100% मुकम्मल किया मैंने अपना वादा कम्प्लीट कर लिया मेरे भाई ये छेड़ी कोई गड़बड़ नहीं थी आप माननीय ऐसे अंदर माननीय विभाग के आयुक्त केंद्र का और एसपी कुमार पांडे साहब जैसे अगर आगे लोग ऐसे मौजूद है तो महानगर पालिका के लिए 150 साल में नहीं हुए तो मुझे भरवा नहीं मैं ये बड़ा समझता हूँ क्योंकि हमको काम चाहिए जनता काम चाहती है भाई इलेक्शन तो आते रहेंगे आज एक कल मर जाइए हम वो नहीं सकते इलेक्शन वो आवाज तय करेंगे तो मैं ये कहता हूँ ईवीएम जनता तय करेंगे अब हमारा फोकस सिर्फ आने वाले विधानसभा और लोकसभा के ऊपर है महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं भी हो सकता और तो काम होगा 100% ये और मैं सभी यहाँ आए हुए मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम तमाम लोक प्रतिनिधि आजी माजी सब पार्टी का जितने भी है अल्लाह ताला उनके जान माल की हिफाजत करे ऐसी अब दुआ करता हूँ आज कंप्लीट हो चुकी है काम अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी भी और सबकी जान माल की हिफाजत करे आमीन समझो इशारों अल्लाह हाफिज़